वो वीजा लेके नहीं आया, तो उसको क्वारंटाइन में रख दिया और कहा अभी अगली फ्लाइट में तुमको वापस भेजेंगे। तो उसने फोन किया सेंटर पर, दीदी बस बाबा को मिलने के लिए आया, इतना रुपए खर्च करके टिकट निकाला, अभी मेरे को बिना मिले बाबा से वापस भेज देंगे, कैसे भी करके मुझे भले 2 दिन के लिए भी छुट्टी देवे मैं चला जाऊंगा, लेकिन आज रात की फ्लाइट से मुझे वापस भेज रहे हैं। तो बहन जी ने मेरे को कहा जब काम कर बेचारा आया है उसको चाय पानी दे के आना और उसका पासपोर्ट आदि ले करके वहां एम्बेसी में जाना और उस पर ठप्पा लगवा के। तो मैं गई, मेरे को तो वो जाने देते हैं तो जाने देते हैं। मैंने उसको फटाफट पासपोर्ट आदि ले करके और जो साथ में भाई था तो मैंने भाई को कहा तुम उसको चाय पानी दे के आना, चाय बिस्किट या चाय ये दे के आना टोली। तो वो बैज नहीं लगाया और अंदर चला तो गया, मेरे पीछे पीछे चला तो गया। अच्छा जब निकला तो लोगों ने देखा हाथ में थर्मस, कहाँ गया था बोले, मैं तो चली गई। अब उसको पकड़ा कहाँ गया था, अरे बोले बहन जी के साथ में था ना। कौन बहन जी बोले, क्योंकि कितने पैसे ने? कौन बहन जी, पुलिस वालों ने जो मारा उसको, जो मारा मार करके लाकर लॉकअप में रख दिया उसको। लॉकअप से फिर कहा मेरे को एक फोन तो करने दो, हमारी बहन जी को फोन तो करने दो बोले। बहन जी को फोन किया, बहन जी मेरे को यहाँ पुलिस वालों ने पकड़ा है। बोले क्यों पकड़ा, बैज नहीं पहना था, बोले नहीं पहना था भूल गया, बोले बैज पहनना ही भूल गया, बोले अभी आने दो उसको आएगी वो। फिर मैं जब वहां से आई वो एम्बेसी से आ करके गई, मैंने वो पुलिस वाले को कहा तुमने हमारे भाई को पकड़ के रख दिया। बोले कौन सा भाई है, देखो इसमें से तुम्हारा भाई कौन सा है। मैंने कहा ये है। अब उस दिन उसने रंगीन ड्रेस डाली थी, सफेद ड्रेस भी नहीं है, रंगीन ड्रेस और बैज भी नहीं लगा। मैंने कहा ये है हमारा भाई, उसको क्यों पकड़ा। फिर उसको 2-4 थप्पड़ मारी मेरे सामने सामने, मैंने कहा क्यों मारते हो बेचारे को, कहा बोलना चाहिए ना ये सफेद ड्रेस वाली का भाई। बोले मैं कितना बोल रहा था लेकिन अब सुन ही नहीं रहे थे। तो बैज नहीं लगने से मार खाते हैं पुलिस वालों का भी, है ना। तो ये सेफ्टी का साधन है, बाबा हमेशा कहते हैं सेफ रहेंगे आप, वो समझेंगे बैज लगा है। कितनों ने बैज नहीं लगाया है यहाँ पर आज देखो। हाँ अभी बीड़ी भी छोड़ना और तब बैज आपको मिलेगा, देखना फिर सेफ्टी नहीं। और जिसने नहीं लगाया ना, माताएं भी ये ना समझे कभी ना कभी माया की मार तो जरूर पड़ेगी, अगर ऐसी मार नहीं पड़ेगी तो बाबा का बैज जरूर लगा के रखो, या जैसे गले में चेन में भी डाल के रखो, बाबा जरूर साथ में, आपकी सेफ्टी है कभी।